हेलो कपी मेरे दोस्त, मैं हूँ बूंदी और मैं आई हूँ आज तुमसे मिलने। बूंदी, पानी की बूंद मुझसे मिलने? हाँ कपी, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? हाँ हाँ जरूर बूंदी। तुम्हें पता है कपी, सभी के लिए मैं बहुत जरूरी, मेरे बिना सबकी जिंदगी है अधूरी। जिंदगी अधूरी, वो कैसे? पानी सभी के लिए बहुत जरूरी होता है, बिना पानी के तुम रह भी नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कुछ भी कह रही हो। मैं बूंदी एक पानी की बूंद, कम ना समझना मुझको तुम। सभी के जीवन में मेरा है महत्व बड़ा, करो मदद ताकि रहे सब खुश सदा। मैं समझा नहीं, तुम हमारी मदद कैसे करती हो? अच्छा तुम ये बताओ, जब तुम्हें प्यास लगती है तो तुम क्या करते हो? जब लगी हो प्यास मुझे, पीऊं मैं पानी पेट भर के। वही तो, और जब तुम्हें प्यास लगी हो और पानी ना मिले तो क्या होगा? सूख जाएगा मेरा गला, तबीयत हो जाएगी खराब। बिल्कुल सही, इसी तरह घर और आस पड़ोस को मैं रखूं साफ, बर्तन कपड़े और नहाने में भी आऊं काम। यही नहीं, मैं सब्जियां धोने और खाना बनाने के भी काम आती हूँ। खाना बनाने में? खाना तो दादाजी बनाते हैं। गप्पी, अगर मैं नहीं तो खाना भी नहीं। सब्जी धोने से लेकर खाना पकाने तक सभी में मैं काम आती हूँ। अरे हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। इतना ही नहीं गप्पी, तुम्हें पता है फसलों को भी संभालूं मैं, धरती को सुंदर बनाऊं मैं, पेड़ और पौधों की जरूरत मैं, सभी जीवों की उम्मीद मैं। पर मैं समझ गया बूंदी, तुम हम सभी के लिए बहुत जरूरी हो, तुम नहीं हो तो हम भी नहीं है। पर तुम ऐसे अचानक से उदास क्यों हो गई? पर लोग समझे ही नहीं है कि मैं उनके लिए बहुत जरूरी हूँ, सभी मेरा दुरुपयोग करते हैं और बर्बाद करते हैं। लोग अगर मुझे ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे तो एक समय आएगा कि किसी के पास पानी ही नहीं होगा। कोई न समझे मेरी जरूरत, करे यूं ही बर्बाद मुझे। अब कैसे समझाऊं मैं, अब कैसे बतलाऊं मैं? ना बचाया आज मुझे तो कल सब होंगे संकट में, सूखा होगा हर जगह, न ढूंढ पाओगे तुम मुझे। यूं ही अगर बहाया मुझे फिर ना मिलूंगी कल मैं। क्या सच में बूंदी, ऐसा भी हो सकता है? पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें बचा के रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? सच में तुम मुझे बचाना चाहते हो? हाँ बूंदी, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तो फिर ठीक है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हें जब मेरी जरूरत नहीं होगी तो तुम मुझे बेकार नहीं बहाओगे। हाँ बिल्कुल, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम मुझे बचा सकते हो, जैसे दांत साफ करते समय नल को बंद रखो तुम, नहाने में आऊं जितनी काम उतना ही मुझे इस्तेमाल करो तुम, साइकिल धोने के समय पाइप को बंद रखो तुम, गीले कपड़े का करो इस्तेमाल, इस तरह मुझे बचाओ तुम। हाँ इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तुम्हें पता है जो पानी तुम सब्जियां या फलों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हो उसका इस्तेमाल तुम फिर से भी कर सकते हो। वो कैसे? सब्जी को धोया हो जिससे उस पानी को न फेंको तुम, डालो वो पानी पौधों में, इस तरह करो पानी रिसाइकल तुम। ओ अच्छा। इतना ही नहीं, टपक रहे हो नल या पाइप कोई, बचाओ मुझे तुम रखकर वहाँ बाल्टी। वाह ये तो सच में कमाल है मेरी दोस्त, मुझे माफ करना बूंदी, आज से मैं कभी भी पानी बेकार नहीं बहाऊंगा। कोई बात नहीं गप्पी, शुरू करो आज से बचाना मुझे, करो वो सब जो मैंने बतलाया तुम्हें, उससे रहूंगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ, रहेंगे हम खुश एक साथ। धन्यवाद मेरी दोस्त। तो दोस्तों आज से आप सभी को याद रखना है, पानी ही जीवन, पानी से है हम सब, न करो ऐसे पानी बर्बाद तुम, जरूरत न हो तो नल बंद रखो तुम। पानी का है महत्व बड़ा, सभी के लिए आए काम बड़ा, इसे बचा कर रखना है हमारा काम, क्योंकि पानी ही जीवन, पानी से सब हम। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।